हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सब एक स्पेशल डिश बनाएंगे, भेज कबाब की रेसिपी। वेजिटेरियन लोगों के लिए यह स्पेशल कबाब है। ऐसे तो कटहल के बहुत सारी रेसिपीज बनती है, कटहल की सब्जी, कटहल भुना मसाला, कटहल के कोफ्ते। आज हम बनाएंगे कटहल सामी कबाब, जो बहुत ही टेस्टी लगता है। इसे हम बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। और इस भेज कबाब के साथ हम बनाएंगे ओनियन मिंट की चटनी, जो बहुत ही टेस्टी लगता है। दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा देखें, मैं बहुत ही आसान तरीके से यह रेसिपी बनाऊंगी। कटहल के सीजन में हम बहुत सारी रेसिपीज बनाकर खाते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आप सबको यह सामी कबाब की रेसिपी और ओनियन मिंट चटनी दोनों बहुत ही पसंद आएगी। तो चलिए बनाते हैं। मैंने पैन को ऑलरेडी गर्म होने को रख दिया था। इसमें हम 2 चम्मच घी डालेंगे। इसमें हम खड़े गर्म मसाले डालेंगे, लौंग, इलायची, जावित्री, दालचीनी के टुकड़े। इसमें हम 1 छोटा चम्मच साबुत जीरा, 1 तेज़पत्ता डालेंगे, 2 to 3 pinch हींग डालेंगे। अब इन सारे फ़ौरन को हम थोड़ी देर फ्राई होने देंगे। बस थोड़े से फ्राई हो जाए, इसके बाद इसमें हम डालेंगे, यहाँ हम कटहल के 1/3 चना दाल डालेंगे। इसमें हम खड़ा धनिया डालेंगे। अब इसे हम थोड़ी देर भून लेंगे, बस 30 सेकेंड के लिए। थोड़ी देर भूनने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे कटहल। ये बीज वाले कटहल थे, इसीलिए मैंने इसके बीज निकाल दिए हैं। देखिए, इसके बीज मैंने निकाल कर हटा दिए, कबाब में बीज नहीं डालते हैं। अब इसे भी हम थोड़ी देर भून लेंगे। बस थोड़ी देर बाद भूनने के बाद इसमें हम डालेंगे कटे हुए हरी मिर्च, बारीक कटे हुए लहसुन अदरक। इसे भी हम थोड़ी देर भून लेते हैं। थोड़ी देर भूनने के बाद इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। डालेंगे हम 1/3 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/3 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और इसे हम मिक्स कर लेते हैं। हल्दी और मिर्च मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। अगर आपके पास साबुत धनिया ना हो तो आप उसकी जगह पे धनिया पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसे मैंने थोड़ी देर भून लिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे पानी। इसमें हम 200 ml के बराबर पानी डाल लेते हैं। पानी डालने के बाद इसे हम बॉयल होने देंगे। यहाँ मैंने गैस का फ्लेम हाई रखा है। इसमें उबाल आ गया है। अब इसे हम ढककर 10 मिनट के लिए पकाएंगे। गैस का फ्लेम हमें मीडियम टू लो कर देनी है। 5 से 7 मिनट हो गए हैं, चलिए इसे हम फिर से चला देते हैं। इसे हम फिर से ढककर 3 से 4 मिनट के लिए पका देंगे, जब तक इसके पानी ना सूख जाए। देखिए, इसके पानी सूख गए हैं। इसे हम फिर से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। देखिए, इसमें जो खड़े मसाले हैं उसे हमें निकाल देनी है, जैसे तेज़पत्ते, दालचीनी के टुकड़े। इसे निकालने के बाद इसका हम फाइन पेस्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले इसे हम ठंडा होने देंगे और इसमें से जो बड़ी इलायची है और तेज़पत्ते निकाल लेंगे। चक्रफूल और तेज़पत्ते भी निकाल लेंगे। देखिए, यहाँ मैंने ये सारे मसाले निकाल लिए हैं। अब इसका हम कटहल और चने दाल सारे ठंडे हो गए हैं। इसे हम मिक्सी जार में डाल लेते हैं। जार में डालने के बाद इसे हम पहले सूखा पीसेंगे, उसके बाद इसमें हमें पानी डालनी है। कम से कम मात्रा में पानी डालकर इसका हमें पेस्ट बनाना है। तो देखिए, यहाँ मैंने इसका फाइन पेस्ट बना लिया है। इसे हम निकाल कर प्लेट में डाल लेते हैं। पानी डालकर पीसने से ये थोड़े गीले हो जाते हैं, इसलिए इसमें हम डालेंगे सत्तू। यहाँ मैंने 2 चम्मच के बराबर सत्तू डाला है। कटे हुए प्याज, थोड़ा सा चाट मसाला, कटे हुए हरी मिर्च डालेंगे।
नेक्स्ट डालेंगे तिहाई चम्मच काला नमक, तिहाई चम्मच सफ़ेद नमक डालेंगे, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर डालेंगे, थोड़े से गरम मसाला पाउडर डालेंगे और एक चम्मच के बराबर कसूरी मेथी डालेंगे, बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती डालेंगे। अब ये सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसे मिक्स करने से पहले मैंने हाथों को अच्छे से वॉश कर लिया था, उसके बाद हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। यहाँ मैंने पैन को ऑलरेडी गर्म होने को रख दिया है, इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच के बराबर घी। सामी कबाब घी में ही बनते हैं जिससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। घी गर्म हो जाए उसके बाद हम इसमें डालेंगे, गैस का फ्लेम हमें मीडियम टू लो रखना है। तो यहाँ हम हाथों में लेंगे बैटर, इसे हम इस तरीके से गोला बनाकर और इसे चिपटा बना देंगे। इसी तरीके से हम दूसरा भी लेंगे और हाथों में इस तरीके से गोला बनाकर इसे हमें चिपटा कर लेना है। यह कबाब बहुत ही कम तेल घी में बनता है पर इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इसे हम मीडियम टू लो फ्लेम पे धीमी धीमी आंच पे सेकते हैं जिससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तीसरा वाला भी कबाब हम डाल देंगे। देखिए मैंने गैस का फ्लेम बहुत ही कम रखा है, बहुत ही धीमा, जिससे ये धीमे धीमे पक रहा है। यहाँ मैंने अपने पैन के हिसाब से टोटल 6 कबाब डाले हैं और बहुत ही धीमी आंच पर इसे हम पकाएंगे। इसे पकाने में 10 से 12 मिनट आराम से लग जाते हैं। धीमी धीमी आंच पे घी में बने हुए कबाब के टेस्ट का कोई जवाब ही नहीं। बहुत ही कम तेल में यह कबाब बन जाते हैं और स्वाद तो इतना अच्छा कि आप एक बार बनाकर खा लो तब पता चलेगा कि इसका स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है। 5 से 6 मिनट हो गए हैं, चलिए हम चेक करते हैं क्योंकि ऊपर से भी इसका कलर चेंज हो गया है। देखिए इसका कलर अच्छा आ गया है। सभी सामी कबाब को हम स्पून की सहायता से पलट लेते हैं। थोड़ी आराम से पलटना है क्योंकि ये टूट भी सकते हैं। ये कबाब जो धीमी आंच पे पक रहे हैं इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, जब आप इसे बना कर खाओगे तभी इसका रियल टेस्ट आपको पता चलेगा। यहाँ मैंने सभी को पलट लिया है, दूसरी तरफ से भी इसे हम धीमी आंच पे ही सिकने देंगे। इसे हम इस तरीके से रोटी के जैसे घुमा लेंगे जिससे ये हर तरफ और भी अच्छे से सिकेंगे। इसका कलर हमें डार्क नहीं करना है। तो ये कबाब अच्छे से सिक गए हैं, 10 से 12 मिनट हो गए हैं, गैस का फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है। देखिए बहुत ही अच्छे कबाब बने हैं, बहुत ही चटपटे से सामी कबाब जो बहुत ही कम घी में बनकर रेडी हो जाते हैं। तो देखिए इसे मैं दिखाती हूँ, बहुत ही अच्छे कबाब बने हैं। इसे मैं निकाल लेती हूँ प्लेट में, बहुत ही टेस्टी वाला सामी कबाब बना है। अब हम बनाएंगे ओनियन मिंट चटनी बहुत ही आसान तरीके से। यहाँ मैंने पैन को गर्म होने को रख दिया है, इसमें हम 1 चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे। यहाँ मैंने सरसों तेल लिया है, 4 से 5 लहसुन की कलियाँ, 1 चम्मच के बराबर साबुत धनिया डालेंगे। इसमें हम डालेंगे कटे हुए ऑनियन, प्याज, मैंने 1 बारीक कटा हुआ प्याज लिया है, 1 कटे हुए हरी मिर्च लेंगे, उसे भी मैंने डाल दिया है। अब इसे हम भून लेंगे। अब ये सारे इंग्रेडिएंट्स को हम मीडियम फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। इससे चटनी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आ जाता है। 2 मिनट हो गए हैं, देखिए इसका कलर भी लाइटली चेंज हो गया है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब इसे हम ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद इसे हम मिक्सी जार में डाल लेते हैं। 10 से 12 पुदीना पत्ते डालेंगे। अगर आपको मिंट पसंद ना हो तो आप इसकी क्वांटिटी कम भी कर सकते हो। थोड़े से धनिया पत्ते डाल लेते हैं।
इसमें हम आधा नींबू का रस, करीब एक चम्मच के बराबर नींबू का रस डालेंगे, चौथाई चम्मच काला नमक, थोड़ा सा सफ़ेद नमक डालेंगे। अब इसका हम फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ मैंने चटनी बना ली है, यानी इसका हमने फाइन पेस्ट बना लिया है। तो देखिए बहुत ही अच्छी चटनी पीस गई है, ऑनियन मिंट की चटनी। इसमें साबुत धनिया भी डालने से उसकी चटनी बहुत ही अच्छी लगती है। तो चलिए हम सब सुपर टेस्टी चटनी कबाब सर्व करते हैं। यहाँ मैंने चटनी डाल दिया। कबाब बहुत ही टेस्टी कबाब बना है। कटहल के सामी कबाब और ऑनियन मिंट की चटनी के साथ प्याज भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ मैंने थोड़े से प्याज ले लिए हैं। इसके ऊपर हम थोड़े से धनिया पत्ती और हरी मिर्च भी डाल लेते हैं, इससे यह देखने में और खाने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ मैंने इसकी गार्निशिंग कर ली है। आप ही बताओ फ्रेंड्स, कैसी लगी ये सामी कबाब की रेसिपी। मैं तो कटहल के सीज़न में ये ज़रूर से ज़रूर बनाती हूँ और सबको खिलाती हूँ, सबको बहुत ही पसंद आती है। आप इसे चटनी के साथ ना खाकर चाय के साथ भी इसे यूज कर सकते हो, या सॉस के साथ भी इसे खा सकते हो। पर ये ऑनियन मिंट की चटनी के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। इसके ऊपर आप चाट मसाला यूज कर सकते हो। फ्रेंड्स, मैं हमेशा आप सबके लिए नए नए वीडियोस लाती हूँ, मुझे आप सबका सपोर्ट चाहिए। तो अगर आप सबको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दे। आप इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी बहुत सारे वीडियोस के लिंक डाल देती हूँ, जिससे आप वॉच कर सकते हो। मुझे पूरा यकीन है आप सबको बहुत ही पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई हो या ना भी आई हो तो आप एक कमेंट कर सकते हो। मुझे पूरा यकीन है कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए इसे मैं टेस्ट करती हूँ। दिख रहा ना यम्मी, बहुत ही टेस्टी सा कबाब। इसके सामने नॉनवेज कबाब भी फीका है, रियली यह बहुत ही यम्मी बना है, टेस्टी सा। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।